दोस्तों स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल की नॉइज पे। कोल इंडिया के शेयर को लेकर देखेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं मतलब कोल इंडिया के शेयर में जो फिलहाल अभी आपको थोड़ा बहुत गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कोल इंडिया को लेकर बहुत सारे अपडेट्स हम लोग कोशिश करेंगे जो भी अपडेट है इस शेयर को लेकर कोल इंडिया को लेकर वो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया के शेयर में एक दिन के अंदर लगभग देखेंगे तो 0.3% के आसपास गिरावट बनता हुआ दिखा है। वही बात करते हैं वन वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 1.3% का रिटर्न दिया है, तेजी बनाया, और वन मंथ के अंदर 1.4% का यहाँ पे जो तेजी बनता हुआ दिखा है। कोल इंडिया के शेयर को फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है। एंड डी एवरेबिलिटी जो है 80 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 71.80 आउट ऑफ 100, मोमेंटम जो है 63.20 आउट ऑफ 100। तो दोस्तों यहाँ पे कोल इंडिया के शेयर का हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो अभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोल इंडिया के स्टॉक का, तो एक बोल सकते कि एक बुलिश लेवल बनता हुआ फिलहाल अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं जो आरएसआई इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं कि भाई जो शेयर है कोल इंडिया का ना कि ओवरबोट लेवल पे ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, लगभग बोल सकते हैं कि ओवरबोट लेवल के आसपास है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो मैग्डी का जो इंडिकेटर है वो कह रहे हैं कि जो शेयर है कोल इंडिया का वो एक बुलिश लेवल बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक दिन के अंदर कोल इंडिया के स्टॉक में जो एक लो प्राइस बनता हुआ दिखा है, जो लो प्राइस दिया है वो है 231.70 पैसे का, और जो हाई प्राइस दिया है 235.90 पैसे का। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 229.90 पैसे का लो प्राइस दिया है, हाई प्राइस दिया 236 रुपीज़ का। एंड एक महीने के अंदर 223.30 पैसे का लो प्राइस दिया है, हाई प्राइस दिया 236 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे कोल इंडिया के शेयर को मतलब देखेंगे तो मतलब बीएससी एनएससी मिला के जो एक दिन का एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 6.5 मिलियन का। एंड डिलीवरी परसेंटेज जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 62.6% का है। एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है 4.1 मिलियन का, एक हफ्ते के अंदर 6.2 मिलियन का बीएसएनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 55% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3.4 मिलियन का है, एक महीने के अंदर 7.1 मिलियन का बीएसएनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 62.3% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 4.4 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कोल इंडिया का मतलब जो बोल सकते कि अभी अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बोल सकते कि महानंदी जो कोल फील्ड से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो है टू प्रोवाइड वीयर बेस्ड सेफ्टी ऑपरेशनल ट्रेनिंग टू 17,000 वर्कफोर्स। तो महानंदी कोल फील्ड के ओर से जो है लगभग 17,000 वर्कफोर्स को ऑपरेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे समझते हैं इसको कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे काम कर रहे हैं, और कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो अगर देखते हैं तो अभी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या कहा जा रहा है। स्टेट ओन्ड महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL हैज इंट्रोड्यूस्ड ए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग टू इट्स 17,000 वर्कफोर्स बाय 2026। तो 2026 तक जो है कोल इंडिया का मतलब यहाँ पे कोल फील्ड्स जो है महानंदी कोल फील्ड जो है 17,000 वर्कफोर्स को वर्चुअली ऐसा कुछ इन लोगों ने सेटअप किया है जहाँ पे वर्चुअली इन लोगों जो है ऑपरेशनल ट्रेनिंग देगा और सेफ्टी यहाँ पे देगा। और यहाँ पे जैसे कोल इंडिया का जो मतलब जो है सब्सिडरी हैज अर्मक ए बजट ऑफ 6.5 करोड़ फॉर स्किल एनहांसमेंट अमंग कोल माइनर्स। तो यहाँ पे जो कोल इंडिया सब्सिडरी है और यहाँ पे देख सकते हैं उन लोग कोल इंडिया सब्सिडरी की ओर से लगभग 6.5 करोड़ का जो है बजट रखा गया है स्किल एनहेंस्ड करने के लिए, स्किल एनहेंस करने के लिए। और यहाँ पे स्किल ऑफ वर्कफोर्स इज द की सेफ एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिव माइनिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे MCL प्लान्स टू अपग्रेड द टेक्निकल स्किल्स ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज टू अचीव 300 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन बाई 2026 एंड एनेबल्ड कोल इंडिया लिमिटेड अचीव द टारगेट ऑफ 1 मिलियन टन प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है जहाँ पे 6.5 करोड़ जो है कोल इंडिया ने रखा है स्किल एनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है स्किल एनहेंस करेगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी करेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 300 मिलियन टन जो है कोल प्रोडक्शन करेगा 2026 तक। और जो कोल इंडिया लिमिटेड का टारगेट है वो भी यहाँ पे अचीव करेगा, जो कि टारगेट है 1 मिलियन टन का। तो आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा फायदा जो आगे चल के कोल इंडिया को होने वाला है। इनिशिएटेड एज अ स्टेप टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन इन बिजनेस प्रोसेसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ वीआर बेस्ड ट्रेनिंग
फॉर अराउंड 17,000 डिपार्टमेंटल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज विल सर्व एज द मेजर इनिशिएटिव फॉर 18 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन लोगों ने जो यहाँ पे डिजिटली एक ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम रख रहा है, ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है कोल इंडिया को देगा। हैदराबाद बेस्ड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है यहाँ पे कॉनकॉर्ड ह्यूमन रिसोर्स कॉनकॉर्ड ह्यूमन रिसोर्स हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द जॉब। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है सेट भी किया है कि कौन यहाँ पे ट्रेन करेगा 17,000 एम्प्लॉइज को और कैसे इसका जो है प्रोडक्शन जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन है जो इसका टारगेट है वो अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है आगे चल के। तो कोल इंडिया के शेयर के प्राइस में अगर देखेंगे तो बहुत सारे तेज़ी बना है, बहुत बोल सकते कि एक ज़बरदस्त तेज़ी जो कोल इंडिया के शेयर में हम लोग को बनता हुआ दिखा है। अभी कोल इंडिया का प्रोडक्शन का समझते दोस्तों, तो कुछ दिन पहले जो है इसको लेकर एक अपडेट आया था जहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में इसको लेकर वीडियो बनाया था। कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसमें अगर समझते तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है जंप देखने को मिला है कोल इंडिया के प्रोडक्शन में, जहाँ पे देख सकते हैं कि कोल इंडिया का जो जून क्वार्टर का प्रोडक्शन है उसमें लगभग 10% का जंप देखने को मिला है जो कि 175.5 मिलियन टन का हुआ है। कोल ऑफटेक राइजेस 5.3% ईयर ऑन ईयर। तो 10% जो है यहाँ पे कोल प्रोडक्शन जो क्वार्टर का जून क्वार्टर के यहाँ पे जंप देखने को मिला है जो कि 175.5 मिलियन टन का है दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे कोल इंडिया के प्रोडक्शन में देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे इसका बात करते तो कोल इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर माइंड कोल प्रोड्यूसर माइंडेड एक टोटल ऑफ 175.5 मिलियन टन ऑफ कोल ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2023 से लेकर 2024 रजिस्टरिंग ए ग्रोथ ऑफ नियरली 10%। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये जो है हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन है कोल इंडिया का। अभी अभी जो देखने को मिल रहा है कि दिस वॉज द हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन फॉर द कंपनी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑफ एनी ईयर। मतलब पहले क्वार्टर में जो इन लोगों ने एक हाईएस्ट प्रोडक्शन किया है, जो रिकॉर्ड इन लोगों ने किया है, हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन हुआ है। एंड कंपनी का देख सकते कोल इंडिया का प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ जून जो है बढ़के हुआ है 12.4% टू 58 मिलियन टन फ्रॉम 51.6 मिलियन टन ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है मंथ जून में जो कि 12.4% जो है बढ़के यहाँ पे 58 मिलियन टन हुआ है जो कि इसके पहले था 51.6 मिलियन टन ईयर ऑन ईयर में। आउटपुट कुड हैव बीन एवर हायर बट फॉर हैवी रेनफॉल। तो बहुत सारे मतलब जो है रेन वगैरह हुआ था उसके चलते जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी प्रोडक्शन उसमें थोड़ा बहुत कमी यहाँ पे देखने को मिला है, फिर भी एक अच्छा खासा जो इन लोगों ने प्रोडक्शन यहाँ पे किया है कोल इंडिया ने। एंड जून मंथ की बात करते हैं कोल इंडिया का फॉर द मंथ ऑफ जून कोल इंडियाज ऑफटेक एट 61 मिलियन टन रजिस्टर्ड ए ग्रोथ ऑफ 3.6% फ्रॉम 58.9 मिलियन टन। कोल इंडिया से देखने तो नियरली जो है यहाँ पे एक बोल सकते कि चेयरमैन जो है यहाँ पे रखा गया जो है नया अपॉइंट किया है जिन जो है यहाँ पे बता दे रहे जो मिस्टर प्रसाद है टू कवर द चार्ज ऑन July 1st एंड अंडरलाइंड हिज प्रायोरिटी दैट द कंपनी वुड अचीव द 780 मिलियन टन आउटपुट टारगेट ऑफ फाइनेंशियल 2024। तो यहाँ पे कोल इंडिया जो है न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन PM प्रसाद टूक ओवर द चार्ज ऑन July 1st एंड अंडरलाइंड हिज प्रायोरिटी दैट द कंपनी वुड अचीव द 780 मिलियन टन आउटपुट टारगेट ऑफ फाइनेंशियल 2024। तो कोल इंडिया का यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं 2024 का जो कि 780 मिलियन टन का है। कोल इंडिया ओवर बर्डन रिमूवल कंटिन्यूस इट्स रनवे पीस एज अ कंपनी जो है यहाँ पे एक्सकोवेटेड 497.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो कोल इंडिया का समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग अभी देखते हैं शेयर का प्राइस और जैसे अपडेट्स वगैरह आ रहे हो सकता है कि कोल इंडिया से जाके एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे। दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कोल इंडिया का जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है वो है 272 रुपीज़ का। 272 रुपीज़ का एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। और फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो कोल इंडिया का और से मतलब अगर डिविडेंड देखते हैं तो अच्छा खासा डिविडेंड भी देखने को मिलता है। कोई अगर ये शेयर होल्ड करते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अभी तक कोल इंडिया ने जो है 23 डिविडेंड्स दिया है। एंड वही बात करते हैं पास्ट 12 मंथ के अंदर जो डिविडेंड है 23.25 पैसे का जो यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिला है। तो बहुत सारे बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया से यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलता है कोल इंडिया के शेयर में। स्टॉक में भी हो सकता है कि अच्छा खासा आगे चल के तेजी देखने को मिला। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। रिक्वेस्ट करते जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर